जय श्री राम। आदरणीय कृष्णदेव बाबू, आप लोग जरा सा आगे आवे मंच के तरफ। यदि मंच के सामने मौजूद हो तो कृपया मंच की तरफ आए, आइए। इस चिंतंगा की पावन धरती पर यहाँ उपस्थित हमारे बीच जिला परिषद प्रतिनिधि मनोज गुप्ता जी और नूर हाजी साहब भंसार से आए हुए हैं, अमित जी टिंटंगा से, और यहाँ पे उपस्थित हैं अरविंद पासवान जी, और भी यहाँ वंदन करती हूँ। साथ ही टिंटंगा की हमारे भगवान स्वरूप सभी जनता, सभी युवाएं, और क्रिकेट टूर्नामेंट से हमारे इस 5 से 6 दिन का जो नाइट टूर्नामेंट हो रहा था, इसमें सोनवर्षा और महेशपुर से आए हुए दो टीम का यहाँ पे आज खेल हो रहा था 5 से 6 दिन नाइट में। उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छे से दोनों पार्टी ने खेला, और दो अगर खेलते हैं तो एक की जीत होती है। जीत किसकी हुई? महेशपुर की जीत हुई। चलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो हारे उनको भी धन्यवाद देते हैं। आगे चल के वो और भी कहीं जा कर के खेलेंगे, कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी। और माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी आपके रुपौली विधानसभा क्षेत्र में ही हैं, क्योंकि बाढ़ अभी आ चुका है, बहुत काफ़ी पानी बढ़ गया है। कोसकीपुर सिमरा जंगल टोला साधुपुर उधर काफ़ी बाढ़ आ गया है, श्रीमत्ता डोंगरी तो उधर ही क्षेत्र भ्रमण में विधायक जी गए हुए हैं, नहीं आ पाए आप लोग के बीच, क्योंकि उधर रास्ता बंद है बाढ़ की वजह से, तो उधर ही उनका रुक गए, क्योंकि कल भी उनको क्षेत्र में भ्रमण करना है। जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई, बाढ़ से जो भी प्रभावित क्षेत्र की जनता है उनको भी उनको सूखा राशन और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो विधायक के द्वारा मिलेगा। इसके वजह से आप लोगों के सभी गाँव के बीच नहीं आ पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं उनकी धर्मपत्नी 05 जिला पार्षद आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। थोड़ा विलम्ब हुआ, खेल नहीं देख पाई, थोड़ा मुझे भी खेलने का मन था, एक बार क्रिकेट खेलती देर होगा, कोई बात नहीं, मेरे सारे भाई हैं, फिर कभी मौका लगेगा तो आऊँगी। जितिया पर्व है, मैं भी करती हूँ, नहाए खाए था, और क्षेत्र के बहुत भगवान स्वरूप जनता आज आए हुए थे बहुत सारी समस्या लेकर के। विधायक जी क्षेत्र चले गए सवेरे, सभी को देखना पड़ा, आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से देखी तो अच्छा लगा, चमचमाती सिल्क इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे युवा भाई खेल रहे हैं अच्छे से। मन नहीं मान पाया, बीमार अवस्था में भी आपके बीच आई, थोड़ा विलम्ब हुआ, कोई बात नहीं, आगे फिर अगले साल आपका प्रोग्राम होगा, मैं उपस्थित होंगी, और आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम का मैं उद्घाटन की, और जो भी कार्यक्रम होगा थोड़ी देर बैठ के आपका कार्यक्रम देखूंगी। मेरे भगवान स्वरूप जनता को मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामना देती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने उपचुनाव में माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी को एक एक मत दे करके जिताने का काम किए। इसके लिए आप सभी रुपौली के भगवान स्वरूप जनता विधायक के स्वरूप हैं, क्योंकि एक शंकर सिंह नहीं जीते हैं, यहाँ की तमाम जनता भगवान जीती है, उनका विश्वास जीता है, उनका मत जीता है, जो उन्होंने विश्वास उनके ऊपर जताया है। या जब तक हम लोग दोनों पति पत्नी इस रुपौली की धरती पे जीवित रहेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे कि आप लोगों ने हर एक पार्टी दल से ऊपर उठ करके एक एक मत दे करके
हमारे पतिदेव को जिताने का काम किया, उसी का आशीर्वाद स्वरूप आज आपके बीच में 1 बजे रात में उपस्थित हूँ। आप लोगों ने इतना मेहनत किया, सेवा किया, मैं जब भी आप लोगों के बीच जो पन पाएगा सेवा जरूर करूँगी। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 31 रुपया विधायक जी के तरफ से उपहार स्वरूप में आप लोगों को भेंट करूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय आपकी सम्मानित जनता। आप इतनी रात को भी समय निकाल करके इतने व्यस्त कार्यक्रम